लू या गर्म हवाओं से कैसे बचें, पशुओं में गर्मी एवं लू लगने के लक्षण और उसके उपचार, इस वीडियो में इसी सब के बारे में जानेंगे, तो वीडियो में बने रहे। लू एवं गर्म हवाओं से यूं बचें, अत्यधिक गर्मी के दिनों में लू लगने की संभावना बनी रहती है, यह जानलेवा भी हो सकता है। बचाव के उपाय, संभव हो तो मध्याह्न 12 बजे से अपराह्न 4 बजे तक कठिन परिश्रम करने से बचें, धूप में खेलकूद टहलना आदि कार्य न करें, घर में प्रत्यक्ष रूप से सूर्य के प्रकाश को अवरुद्ध करें यानी कि न आने दें, शराब चाय कॉफ़ी तथा अन्य गर्म पदार्थों का सेवन न करें, इनका नियमित सेवन करें, नमक चीनी का घोल, नींबू पानी, छाछ एवं लस्सी, आम का शरबत, तरबूज, खरबूजा, खीरा एवं ककड़ी, नारियल पानी। तेज धूप और लू का शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, सावधानियां ही बचाव है। धूप में निकलने से पहले शरीर को पूरी तरह से ढकने वाले हल्के रंग के सूती कपड़े पहने, धूप का चश्मा इस्तेमाल करें, संभव हो तो तौलिया या गमछा रखें, जूते या चप्पल पहने। लू से बच्चे, बूढ़े, गर्भवती महिला, मजदूर व्यक्ति अत्यधिक प्रभावित होते हैं। 104 अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें। जीवंत बिहार सपना हो सरकार, राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार। आपात स्थिति में निःशुल्क एम्बुलेंस नंबर डायल करें, टोल फ्री नंबर 102। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, पशुपालन ज्ञान, पशुपालक कल्याण। पशु में भीषण गर्मी एवं लू लगने के लक्षण एवं उपचार। गर्मी के मौसम में जब बाहरी वातावरण का तापमान अधिक हो जाता है तो वैसी स्थिति में पशु को उच्च तापमान पर ज़्यादा देर तक रखने से या गर्म हवा के झोंकों के संपर्क में आने पर लू लगने का डर अधिक होता है, जिसे हीट स्ट्रोक अथवा सन स्ट्रोक कहते हैं। पशुओं में लू लगने के लक्षण, तीव्र ज्वर की स्थिति, मुंह खोलकर जोर जोर से सांस लेना अर्थात हांफना एवं मुंह से लार गिरना, क्रियाशीलता कम हो जाना एवं बेचैनी की स्थिति, भूख में कमी एवं पानी अधिक पीना एवं पेशाब कम होना अथवा बंद हो जाना, धड़कन तेज होना, कभी कभी अफरा की शिकायत होना आदि। पशुओं में लू से बचाव के उपाय, पशुओं को धूप एवं लू से बचाव हेतु पशुओं को हवादार पशु गृह अथवा छायादार वृक्ष के नीचे रखें, जहां सूर्य की सीधी किरणें पशु पर न पड़े। पशु गृह को ठंडा रखने हेतु दीवारों के ऊपर जूट की टाट लटका कर उस पर थोड़ी थोड़ी देर पर पानी का छिड़काव करना चाहिए, ताकि बाहर से आने वाली हवा में ठंडक बनी रहे। पंखे अथवा कूलर का यथासंभव उपयोग करें। पशुओं में पानी एवं लवण की कमी हो जाती है, साथ ही भोजन में अरुचि हो जाती है, इन्हें ध्यान में रखकर दिन में कम से कम 4 बार साफ स्वच्छ एवं ठंडा जल उपलब्ध कराना चाहिए, साथ ही संतुलित आहार के साथ साथ उचित मात्रा में खनिज मिश्रण देना चाहिए। पशुओं खासकर भैंस को दिन में 2-3 बार नहलाना चाहिए। आहार में संतुलन हेतु एजोला घास का उपयोग किया जा सकता है, साथ ही आहार में गेहूं का चोकर एवं जौ की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। पशुओं को चराई के लिए सुबह जल्दी एवं शाम में देर से भेजना चाहिए। पशुओं में लू लगने के उपचार, सर्वप्रथम शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए पशु को ठंडे स्थान पर रखना चाहिए। पशु को पानी से भरे गड्ढे में रखना चाहिए अथवा पूरे शरीर पर ठंडे पानी का छिड़काव करना चाहिए। संभव हो तो बर्फ या अल्कोहल पशुओं के शरीर पर रगड़ना चाहिए। ठंडे पानी में तैयार किया हुआ चीनी, भुने हुए जौ का आटा व थोड़ा सा नमक का घोल बराबर पिलाते रहना चाहिए। पशु को पुदीना व प्याज का अर्क बनाकर देना चाहिए। शरीर के तापमान को कम करने वाली औषधि का प्रयोग करना चाहिए। शरीर में पानी एवं लवणों की कमी को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट थेरेपी करना चाहिए। विषम परिस्थिति में नजदीकी पशु चिकित्सालय से संपर्क करना चाहिए। पशुपालन निदेशालय, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग बिहार द्वारा जनहित में प्रचारित। तो यह अपडेट था कि पशु को और खुद को कैसे सुरक्षित रखना है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बिहार की सभी छोटी बड़ी अपडेट इस चैनल पे आते रहते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।